धमतरी जिले के ग्राम परखंदा में करंट लगने से दो युवकों की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर कुरुत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कुरुत थाना क्षेत्र के ग्राम परखंदा में लोकेश पटेल कुएं के अंदर टुल्लू पंप को निकालने के लिए नीचे उतरा था, तभी टुल्लू पंप निकालते समय उसे करंट का झटका लगा और युवक चीखने लगा। आवाज सुनकर ऊपर खड़ा दीनदयाल दीवान उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा। इस दौरान वो भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पंप का स्विच बंद होने के बाद भी उसमें करंट प्रभावित हो रहा था, जिससे दोनों की मौत हो गई। खैर, कुरुत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम परखंदा में दो लोगों की मृत्यु हुई जो विद्युत करंट में कुएं से पंप निकालने के दौरान हुई है। एक है जो नयापारा राजिम का रहने वाला है, वो कई चार पाँच सालों से परखंदा में रहता था अपने ससुराल में, और एक है गाड़ाडीह का सुंदर केरा नया पारा राजिम का रहने वाला है लोकेश पटेल, जो अपने ससुराल में रहता था, और दूसरा जो है दीनदयाल दीवान गाड़ाडीह का रहने वाला है। ये पुराना मोटर पंप को निकालने के लिए कुएं के अंदर निकले उतरे थे, जो उसमें मीटर बंद करने के बाद क्या न्यूट्रल करने के बाद भी उसमें उल्टा प्रभावित होने से उसमें करंट चपेट गया।